नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा की शुरुआत आज मंगलवार से हुई। अपने जीवन के प्रथम पड़ाव की परीक्षा को लेकर छात्र थोड़े घबराए और उत्साहित भी दिखे। कुल्डी क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का आज सीएफएम ने जायजा लिया। इस दौरान परीक्षार्थियों में काफ़ी आत्मनिर्भरता देखी गई। इसके अलावा जिला व पुलिस प्रशासन ने भी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त दिखी। कुल्टी पुलिस ने प्रत्येक परीक्षा केंद्रों के सामने बैनर लगाकर परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही कई जगहों पर पुलिस ने छात्रों को गुलाब फूल देकर प्रोत्साहित किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस छात्र संगठन द्वारा छात्र छात्राओं को पानी की बोतल, कलम आदि दिए गए। यानी परीक्षार्थियों को उत्साहित करने के लिए पूरा महकमा उनके साथ खड़ा दिखा। वहीं बच्चों ने भी प्रथम परीक्षा देने के पश्चात काफ़ी खुशी जाहिर की। आप कहाँ पढ़ते हो? महारिश्वर मिठाई स्कूल। अच्छा, आज आपका फर्स्ट एग्जाम था, कैसा लगा? बहुत अच्छा गया एग्जामिनेशन। अच्छा, कैसा फील हुआ जब आप क्वेश्चन पेपर हाथ में लिए तो? अच्छा फील हुआ क्वेश्चन पेपर लेने से। अंदर का मैनेजमेंट कैसा था? अच्छा ही था। अच्छा। टीचर्स लोग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था वहाँ का। परमंडल कहाँ पढ़ते हो? यहीं स्कूल। अच्छा, यहाँ आपका सेंटर पढ़ा? नहीं, कुल्टिया स्कूल। अच्छा, कैसा लग रहा है एग्जाम दे करके? एग्जाम दे कुछ याद नहीं, ऐसे जैसे नॉर्मल एग्जाम देते स्कूल में वैसे लगा, लेकिन कुछ नया फील हुआ। नया फील हुआ। क्वेश्चन कैसा था? इजी था ना, टफ था? कुछ टफ था, लेकिन उतना भी नहीं। पढ़ाई करके जो जाए उसके लिए टफ तो कुछ नहीं होता। अच्छा, कितना मार्क्स था सब? 75। अच्छा, और नर्वस कितना था? नर्वस बहुत, बहुत नर्वस थे। अब जब फर्स्ट एग्जाम खत्म हो गया तो फिर कैसा फील हो रहा? अच्छा फील हो रहा। अच्छा फील हो रहा। हाँ, फील तो हो गए। अब मेरा नाम राजू कुमार साहू है। अच्छा, कैसा लग रहा है एग्जाम देकर के? बहुत अच्छा लग रहा। तैयारी कैसी थी? अच्छी थी तैयारी, भी फर्स्ट क्लास। अच्छा, एग्जाम खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? घर जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? पूरा एग्जाम खत्म होने के बाद? पूरा एग्जाम खत्म होने के बाद घूमने जाएंगे, टूर। घूमने जाएंगे। कहाँ पढ़ते हो? अमरी राष्ट्र विद्यालय। अच्छा, कैसा लग रहा है फर्स्ट एग्जाम जब आप फिनिश किए हो? फर्स्ट एग्जाम जब पहले जब हमको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था तो हमको बहुत नर्वस फील हो रहा था कि कैसा जाएगा एग्जाम, क्वेश्चन कैसा आएगा। बट जब क्वेश्चन पेपर मिला, मैंने क्वेश्चन पेपर को रीडिंग किया तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। इतना इजी क्वेश्चन आया था और एग्जाम भी बहुत अच्छा गया है। टाइम भी मेंटेन मैंने बहुत अच्छे से किया है, सभी को अटैच किया है मैंने। तो अब कैसा लग रहा है? अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब पहले लग रहा था कि बोर्ड एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स है। कितना मार्क्स गेन करोगे? आई थिंक मैंने तो पूरा मार्क्स अटेंड किया है, बट मेरा आना चाहिए 80 प्लस तो शायद आ सकता है। Yes. इसके बाद कल की क्या तैयारी? कल इंग्लिश है तो अभी तो फिलहाल इंग्लिश की तैयारी कर चुके हैं, बट थोड़ा बहुत बाकी है तो अभी घर जाके करेंगे। फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे तुम? फ्यूचर में अभी तो सोचे नहीं है, फिलहाल बस पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, अगर हो जाए तो। आपका एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। और जिस टाइप से तैयारी करके आए तो मुझे हमको लगा था कि मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, और जो अच्छा लगा था वो सच में अच्छा गया। सारा मार्क्स 90 में 90 अटेंड हो चुका है मेरा, और जो मार्क्स आने वाला है वो तो आएगा ही, मतलब 90 प्लस। नर्वस फील नहीं हो रहा ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा एग्जाम दिया, बहुत अच्छा एग्जाम दिया, बहुत अच्छा गया आपका। बहुत अच्छा गया एग्जाम। आप कहाँ पढ़ते हो? हम एनडी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? निशा कुमारी पांडे। अच्छा, जब पहला क्वेश्चन पेपर आपको मिला था तो कैसा फील हो रहा था? बहुत नर्वस फील हो रहा था, बट अच्छा। सब एग्जाम बहुत अच्छा गया, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कैसा था? बहुत इजी था। अब कैसा लग रहा? अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा। सर जो बताए थे उससे कुछ क्वेश्चन मैच हुआ? बहुत मैच हुआ, बहुत मैच हुआ, सब मैच हुआ। हाँ, सब मैच हो गया। सर को क्या बोलोगे? थैंक यू भैया, बताए थे जो सारा आया, हम लोग का जितना अच्छा से जितना हो सकता है उतना हम लोग भैया पे ही जाएंगे। कितना मार्क्स ला सकते हो? ला सकते हैं, फिर भी 90 का मार्क्स था ना, तो 80 कम से कम आ ही जाए। एग्जाम खत्म हुआ, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये आपका जीवन का प्रथम एग्जाम है, जब एग्जाम फिनिश होगा उसके बाद कहाँ जाओगे? अब ये तो सोचे नहीं है फिलहाल, अभी पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे हैं, तो घूमना फिरना नहीं सोच रहे। अच्छा, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? सिंगर।
कुमार चौधरी है मेरा नाम। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? इंडिया विश्वविद्यालय में। सेंटर कहाँ पढ़ा आपका? सेंटर है कुल्टी पे। कुल्टी पढ़ा। हाँ। एग्जाम खत्म किए कैसा लग रहा? बहुत ही अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस फीलिंग हो रहा है क्योंकि 70% हम लोग जो है वो लिख के आए, देखते कितना परसेंट आता है। शायद 50% का चांसेस है और 60% का चांसेस है, देखते कैसा होता है। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, अच्छा ही क्वेश्चन था, बनाने में मजा आया। नर्वस थे? नहीं, नर्वसनेस तो नहीं था। अच्छा, स्कूल का मैनेजमेंट कैसा था? स्कूल का कैसा था मैनेजमेंट? बहुत सही था। अच्छा, ऐसा है कि चीटिंग वगैरह हुआ नहीं था, सब लोग अच्छे से हम लोग को देख रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा डिसिप्लिन देख के। ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम था रास्ते में? ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं था, पुलिस भी सपोर्ट कर रहे थे ना? हाँ, सभी लोग थे, बहुत ही अच्छा लगा। एग्जाम देखे यहाँ पे? आज आपका फर्स्ट एग्जाम था, अब जब एग्जाम फिनिश हो जाएगा उसके बाद कहाँ जाओगे? उसके बाद घर जाके पढ़ाई करेंगे। एग्जाम खत्म होने के बाद? एग्जाम खत्म होने घर जाएंगे। और घर जाओगे? कहीं घूमने के इरादा, कहीं जाने के इरादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहाँ पे? अनास। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? कुलटी हिंदी बालिका विद्यालय। कैसा एग्जाम हुआ? एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, पहले में बहुत डर लग रहा था, बट मिस लोग बहुत अच्छी थी इसलिए डर नहीं लगा। नर्वस कितना था? नर्वस थे, फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम था तो नर्वस तो हो गई, थोड़ा नर्वस लगा, उसके बाद फिर नॉर्मल। स्कूल का मैनेजमेंट का इंतजाम कैसा था? पानी सब ठीक था? हाँ, स्कूल ठीक था। अच्छा, अब जब तुम एग्जाम फिनिश कर दिए हो तो कैसा लग रहा है? एग्जाम फिनिश कर दिए तो बहुत अच्छा लग रहा है कि डर तो खत्म हुआ पहले एग्जाम का, अब नेक्स्ट का तैयारी कर रहा है। कितना नंबर ला पाओगे? 80 नंबर। श्री अग्रवाल, आप कहाँ पढ़ते हो? कुलटी हिंदी बालिका विद्यालय। आप जब एग्जाम देने जा रहे थे तो कितना नर्वस थे? बहुत ही ज्यादा नर्वस थे। बहुत ज्यादा नर्वस थे, अब कैसा फील हो रहा है? अब अच्छा फील हो रहा है। आप सुबह कितने बजे सो के उठे थे? 5:30। उस वक्त से पूरा प्रिपरेशन होगा? अच्छा, गार्जियन क्या फील कर रहे थे? गार्जियन भी नर्वस थे? अच्छा, आप जब एग्जाम की तैयारी के लिए क्या किया? अच्छा, ट्यूशन कहीं पढ़ते थे आप? अच्छा, सर जो क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन मैच हुआ? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुआ। अच्छा, अब जब एग्जाम फिनिश्ड हो गया है तो आप कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, टेंशन। कितना नंबर ला पाओगे? 82-83। अच्छा, और फ्यूचर में क्या बनने के इरादा? इंजीनियर। इस साल आपके विद्यालय से, एनडी राष्ट्र विद्यालय से, कितने छात्र एग्जाम देने के लिए गए हुए? इस साल हमारे विद्यालय से 269 छात्र छात्राएं जो हैं वो परीक्षा देने के लिए गए हुए हैं। उनमें से कुल कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं सर? 149 लड़के हैं और 120 लड़कियां। अच्छा, पिछले साल जो माध्यमिक का परीक्षा हुआ था सर 2019 में, उसका रिजल्ट क्या था? उसका रिजल्ट पर साल जो है हमारा 83.5% था। इस साल आप आशा करते हैं कि रिजल्ट जो है पिछले साल से बेहतर हो? निश्चित आशा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर से इस वर्ष जो है रिजल्ट अच्छा होगा। और जितने बच्चे परीक्षा देने के लिए गए हुए हैं उनका उम्र तकरीबन क्या होगा सर? 15-16 ईयर्स। और आप अभी जो इस विद्यालय में हैं तो इससे पहले तो आप एक शिक्षक की भूमिका में थे, आप अभी जो हैं टीचर इंचार्ज की भूमिका में हैं, तो ये कितने सालों से आप यहाँ पर? 2 वर्ष से हो गया, 2 वर्ष कम्प्लीट हो गया टीचर इंचार्ज के रूप में। धन्यवाद सर।